भी आप पीली कौर कहते हैं। अधिकार मधेसी जनता के अधिकार के प्रेरणा जनकपुर से मिले वाला, मधेस आंदोलन के रक्षा यहाँ से होने वाला, मधेस आंदोलन के संदेश जनकपुर से जाने वाला, क्योंकि मधेस आंदोलन के नेतृत्व करने वाला राजेंद्र महतो या सबसे मतदाता अत्याचारी ने जनकपुर में लड़े हुए, जनकपुर में समझ बूझ के जान बूझ के मधेसवादी पार्टी निर्णय करे सबसे बड़ा अत्याचारी को प्राप्त करके पर यही है हौसला बुलंद न करो, कहीं कोई कंफ्यूजन है जनकपुर वासी के हम आग्रह करें चाहिए ये को पैसा चिंता करेंगे बातें छोड़ कौन कौन कहा किसी कहा कि विकास विकास के बात ना, अरे विकास तो तू 25 वर्ष में की करे से जनता देखे रहा हो ना, ये को सड़क है वो पुल नहीं बना दे विकास कर, अरे मधेश के राजधानी के नरक बना के तू रख ले, हमारा कल मन में वो बात हम मेयर साहब कतेक बड़का अत्याचारी यहाँ हमारा सबके मिथिला के राजधानी, हमारा सबके मिथिला के राजधानी मधेश के राजधानी जनक और यहाँ लाखों लाखों शरणार्थी कथी रहे छे तीर्थ यात्री अबै छै यहाँ अबै छै यहाँ नेपाल इंडिया से लाखों लाख जब परिक्रमा अबै छै तऽ रामनवमी तऽ विवाहन जीवी यहाँ तो मधेसिया के मधेस के संस्कृति धरोहर यहाँ तो हेबे करती मेला लगबे करती यहाँ तो पर्व त्योहार हेबे करती ना, तो सारा मधेस के लिए हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र रहे तो सब हेबे करे लाखों लाख लोग अब जब मेला लागत ना तो जे भी तीर्थ यात्री आ तो नाक बंद कर के सड़क पर चले जाए कहीं पेशाब कहाँ करूँ सेहो खोल आ कहीं भी ला के कर लू सब जाना कतेक तकलीफ हो मान कर सकती है बाहर के लोग अब यहाँ पहले हम कहा सोचे कि चुनाव हो जाए, चुनाव हो जाए जनता यदि हमारा पास नहीं करा तो हमारा मन में किया कि एक महीना चुनाव हो जाके एक महीना के भीतर में 100 सुलभ शौचालय ये जनकपुर नगर में बन जाए, कई सुलभ शौचालय में स्नान करेंगे कथी कहे छे स्नान करेंगे पहले सुविधा और कथी कहे क्लोक रूम है जो समान मात्री आदमी के समान का क्लोकर रूम कोई समेत के व्यवस्था की कहीं कोई असुविधा ना अभी जो मेरा देखे तो चल जाए थी ना समान लेके पृथ्वी पर भोज रहा माथा पर छिटी बोकले थी जैसे कहीं थी बोला तो उस रखे गए जगह होगी तो थी ना छोट काम है और वो रुपया खर्च न हुआ और कहीं से भी मंगी करा से करोड़ रुपया नहीं करवा लेकिन ये काम न कर गए बड़का नेता 25 वर्ष से जनता के वोट दे गए लेकिन जनता कौन बुरा हाल में यहाँ तो उनको ध्यान दे और बात रहे हो इतने भर का यात्री हो लाखों यात्री हो सरकार बहुत बड़का बड़का पद पर हो सुविधा संपन्न हजारों आदमी के रहे वाला न्याय धर्मशाला बने कहीं तो कर रही है बोल रहे अरे हमारे पूर्व सब के बना दे रहा कुकरी गोपाल धर्मशाला ने फला धर्मशाला वो पुरनका पुरनका धर्मशाला हुआ जाती है वहां भूख रही एक अलावा कहां आदमी धर्मशाला बन रही लेकिन हजारों आदमी एक जगह से छोट पात्र एकदम छोट पात्र करेंगे क्या न करो घर के मतदान शहर के सबसे बड़का मतलब समस्या घर को अभी घर के इतने बड़का राजधानी शहर और घर के दूगो नदी में दूगो घर मिला दे जाए और ठीक से ना मैनेज कर ले जाती है मच्छर करता है गंदगी रहते है यहाँ छोट बात देश के लिए बहुत छोट बात देश के लिए छोट बात लेकिन न फैन कहला तो मतदाता और कर्मी और काम में बैठे मधेसिया जनता को दूगो काम कांग्रेसिया सब दे गए कांग्रेसिया दूगो काम दे रहे सब मधेसिया भाई कहे थी कांग्रेसिया तुम्हारा काम दू गो एगो मतदाता तुम्हारा काम मतदाता तुझे वोट दे हम 25 वर्ष से वोट ले रहा लाइन से आ दोसर एक काम कही कर दाता तू कौन हमारा दे रहा ओकरा कह कौन दे रहा और आप पर वोट लेके आप पर शासन कर कौन लेके शोषण कर ये धंधा में लेकर 80% कमाई हमारा मधेश से 80% देश के खजाना में
80% में मार बच जाए 20% का देश तो उल्टा गंगा बाजी दे उल्टा गंगा दवाए बदल दिया अस्वस्थ जाए कहा ना कहा धनवाई की जो बैठू ना अरे बैठू ना आई की जो ना बैठू ना वहां ट्रफिक काम ले गए तो गाड़ी तो कंजस्टेड हुआ नहीं तो ट्रफिक काम ले गए ले हमारे मवेशी भाई जनकपुर के जनता के ऊपर बहुत बड़का की बात जनकपुर के जनता के सौभाग्य भेटल जनकपुर के जनता के सौभाग्य भेटल आंदोलन के औचित्य और आवश्यकता प्रमाणित करे के दायित्व का कंधा मलेशिया जनता के जनकपुर के जनता के कंधा पर चला है ये बहुत बड़का सौभाग्य सौभाग्य के मलेशी जनता के भविष्य के सौभाग्य में बदलू बस ये हम सबसे आग्रह करो संपूर्ण जनकपुर वासी से आग्रह करो कि निर्भय होके बिल्कुल ही निर्भय होके एकदम दिमाग में रखू राजेंद्र महतो आगे नहीं तो जनकपुर के गार्जियन मदेशी गार्जियन का करवाने का हम गार्जियन थी आप रह भेग जाके जाके राजधानी छोड़ के कहीं जाएगी चुनाव उनाव लड़ते